हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो मैं मनी प्लांट के ऊपर कवर कर रहा हूं और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा किस तरह से हमने इस टायर को बनाया है और किस तरह से इसकी ये डालियां लटक रही, कितना खूबसूरत लग रहा है, किस तरह से मनी प्लांट के लीफ को इतना बड़ा करा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। मनी प्लांट को ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसको एक हैंगिंग पॉट में ग्रो करा जाए। आप यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा इसकी डालियाँ ऊपर से नीचे आ चुकी है और नियरली ये 8 से 9 फीट के आसपास इसकी हाइट होगी और वहाँ से इसने अपनी पूरी डालियाँ नीचे की तरफ ग्रो करी है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है एक हैंगिंग पॉट में लगाइए। अगर आप नॉर्मल पॉट में लगाते हैं तो उनको एक सपोर्ट देना होगा और फिर वो ऊपर की तरफ ग्रो होंगे और कुछ समय बाद वो फिर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो बेस्ट होता है कुछ ऐसा ट्राई करें। तो अब यहाँ पर मैं लाइक टारगेट की बात करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक डेफिनेटली करके देना। एक मनी प्लांट की कटिंग से आप बहुत सारे मनी प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। आपको एक हेल्दी मनी प्लांट की कटिंग लेनी है और उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं जिसमें एक पार्ट लीफ रहेगा और एक पार्ट रूट रहेगा। अगर सही टेम्परेचर पर ग्रो करा जाए तो मनी प्लांट का हर नोड एरिया ग्रो करा जा सकता है। बस छोटे छोटे उसके पीसेस कर लीजिए और उनको आप ग्रो कर दीजिए। मनी प्लांट कटिंग के हर लीफ के नीचे एक रूट होती है जो ग्रो होती है। कटिंग को ग्रो करने के लिए आप 70% सैंड ले सकते हैं और 30% आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। मनी प्लांट कटिंग को हम एक बॉन्सी ट्रे के अंदर ग्रो करेंगे और यहाँ पर इसके अंदर हम सैंड डालेंगे और अपनी कटिंग्स को लाइन वाइज लगा देंगे। कुछ ही दिनों के अंदर हमारे मनी प्लांट की कटिंग में ग्रोथ नजर आने लग गई और यहाँ पर मॉइस्चर को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमने ये मनी प्लांट कटिंग इसलिए ग्रो करी है ताकि हम इसको एक टायर के अंदर ग्रो कर सकें और अपने गार्डन की और ज़्यादा ब्यूटी बढ़ा सकें। तो उसके लिए आपको एक टायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे बड़ी वाली पैकिंग टाई ले ली है और यहाँ पर हमें 6 पैकिंग टाई की रिक्वायरमेंट रहेगी। पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है स्नैगडम मॉस। इसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी लंबे समय तक होल्ड रहता है, इसलिए आप इसको टायर के अंदर यूज़ करेंगे। आप कोकोपीट का यूज़ नहीं कर सकते। स्प्रे की मदद से स्नैगडम मॉस को आप गीला कर लीजिए, इससे ये अपनी जगह पर चिपक जाएगी और हिलेगी नहीं। हमारे बॉन्साई ट्रे के अंदर जितने भी कटिंग बड़ी हो चुकी है उनको हम निकाल लेंगे और इस ट्रायर के अंदर हम ग्रो कर देंगे। जितने भी कटिंग आपने ले रखी है उनको आपको आहिस्ते से इस टायर के अंदर लगाना है। इसको आप हल्के हाथों से प्रेस करिए टायर के होल के अंदर और उसके अंदर स्नैगडम मॉस भर दीजिए। इससे दोस्तों आपकी कटिंग हिलेगी नहीं और जब वाटर देंगे तो इसके अंदर नमी की वजह से इनके अंदर रूट्स ग्रो हो जाएगी। इस टायर के अंदर मनी प्लांट की कटिंग बहुत खूबसूरत लग रही है और आपके गार्डन को भी ये बहुत खूबसूरत बनाने वाली है। बस आप मॉइस्चर मेंटेन करके रखना और आने वाले कुछ दिनों में या फिर इंस्टाग्राम पर मैं शेयर करूँगा किस तरह से इसको फर्टिलाइज़र देना है। हमने जो टाई बांध रखी है उसमें अब थ्रेड लगा के इसको हैंग कर देंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, आप देखते जाइए और कर लीजिए सेल्फ। अब यहाँ पर आपको दो नोट बनाने हैं जिससे आपकी रस्सी खुले ना और बस इसको टांग दीजिए। यहाँ पर आपको पानी तो स्प्रे के थ्रू ही देना होगा क्योंकि आपको एक प्रेशर चाहिए होगा ताकि आपके मॉस अच्छे से भीग जाए। आफ्टर 1 मंथ आपको रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा। आपकी मनी प्लांट की कटिंग ग्रो होने लग जाएगी और काफ़ी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी। दो से ढाई महीने के बाद आपको जो ग्रोथ नज़र आएगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और अगर आप ये सारा प्रोसेस रेनी सीजन में करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ डबल हो जाएगी और आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको स्प्रे के अंदर एक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना है जिससे मनी प्लांट को टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन मिलता रहे और वो अपनी ग्रोथ बरकरार रखे। अगर क्रिएटिविटी की बात करी जाए तो मनी प्लांट को आप हैंगिंग पॉट में ग्रो करेंगे तो वो नेचुरल लुक देगा, बट अगर आप अपना क्रिएटिव स्किल दिखाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में जाइए, साइकिल वाले के पास जाइए, एक टायर लाइए, बहुत कम कॉस्ट पर मिल जाएगा और इस तरह से ग्रो कर दीजिए। गार्डन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्नर बन जाएगा। मनी प्लांट कटिंग को ग्रो होने में मिनिमम से मिनिमम 10 डेज लगते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 डेज लगते हैं। इसके बाद वो अपनी लीफ के अंदर ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। और अगर आप हमारे इस टायर को रखना चाहते हैं तो इसको सनलाइट में बिल्कुल मत रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट पकड़ लेगा
और अंदर का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, इससे मनी प्लांट डैमेज हो सकता है। तो आपको रखना ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती हो, सिर्फ ब्राइट लाइट आए। फर्टिलाइज़र फॉर बिग लीफ मनी प्लांट। अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहते हैं आपके मनी प्लांट के अंदर बड़े बड़े पत्ते आए, उसके लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा मनी प्लांट सेलेक्ट करना होगा जिसमें पहले से ही बड़ी लीफ आती हो, और उसके बाद उसके अंदर आप डे टू डे आप उसमें फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो हमारा जो मनी प्लांट है ऐसा हेल्दी मनी प्लांट आप इजीली ग्रो कर पाएंगे। मनी प्लांट हेल्दी होने के साथ साथ आप पॉट साइज़ भी कंपेयर कर लीजिए, दोनों पॉट साइज़ सेम है बट यहाँ पर जो मनी प्लांट की लीफ है वो कितनी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है, और ये हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा पुराना है। हमारा ये फर्टिलाइज़र रेडी टू यूज़ है, इसलिए यहाँ पर हम 10 लीटर ऑफ वाटर लेंगे। आप कोई भी पॉट ले सकते हैं या फिर कोई भी बकेट ले सकते हैं 10 लीटर की, हमने यहाँ पर एक फ्लैट पॉट लिया है। सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक बनाने के लिए हमने चाय पत्ती का यूज़ किया है, और इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी भी पूरी हो जाएगी। 2 टेबल स्पून आपको चाय पत्ती लेनी है, उसके बाद आपको एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डालना है। मनी प्लांट में एप्सम सॉल्ट फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी और क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मनी प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर भी हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट का यूज़ करेंगे। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल बढ़ाने के साथ साथ प्लांट को और ज़्यादा ग्रीन भी दिखाता है ये, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ और अदर लीफी प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीम केक, नीम खली। इसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे प्लांट की जड़ों में फंगस अटैक ना हो, और काफ़ी हद तक चींटियाँ भी परेशान करती है हमारे प्लांट्स में, काफ़ी सारा अपना घर बना देती है और ईजिली जाती नहीं है, तो इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से चींटियाँ भी दूर रहेगी। लास्ट बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सीवीड एक्सट्रैक्ट। ऑर्गेनिक होने के साथ साथ जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है प्लांट में या फिर सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये इजीली कवर कर लेता है, इससे गुड बैक्टीरिया भी डेवलप होते हैं। तो नियरली आप 10 ml के आसपास 10 लीटर ऑफ वाटर में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सारे फर्टिलाइज़र आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, और इनको आप अगर एक साथ डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं डेली बेसिस पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे मनी प्लांट की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसकी लीफ साइज़ भी बड़ी होती रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है, और उसके बाद आप इसको इजीली यूज़ कर पाएंगे। हमारे 3 आवर का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और हमारा फर्टिलाइज़र अब रेडी है मनी प्लांट में डालने के लिए। अब दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई भी फर्टिलाइज़र परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हैं। चलिए डाल देते हैं हमारे मनी प्लांट के अंदर, और इसका ड्यूरेशन रहता है एवरी 15 डेज, हर 15 दिन के बाद आप ये फर्टिलाइज़र अपने मनी प्लांट में डाल सकते हैं। हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी है, और अगर पॉट साइज़ की बात करी जाए तो 8 से 10 inches पॉट में आप 1 glass ऑफ लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। फर्टिलाइज़र बनाना तो आपने सीख लिया, बट आपको सॉइल मिक्स बनाना आता है मनी प्लांट का, करेक्ट सॉइल मिक्स क्या रहता है आगे आप सीख लेंगे। सॉइल मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर आपको सॉइल रखनी है, सैंडी सॉइल रखनी है, वो है 50%, मतलब आपकी सॉइल के अंदर हल्की फुल्की रेती होनी चाहिए, सैंड होनी चाहिए, और 50% हमारा वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट। अच्छे से मिक्स करें और चलिए पॉट पर आ जाते हैं। मनी प्लांट को छोटे से छोटे पॉट में भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, बट एक एवरेज साइज पॉट आपको नियरली 10 inches का लेना है, जिसमें 3 drainage holes होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा वाटर भी अच्छा नहीं लगता है। बस ड्रेनेज होल कवर करिए और बेस पर आप थोड़ी सी सैंड डाल दीजिए नियरली 1 inches के आसपास। अब हम सॉइल से हमारा पॉट भर देंगे, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक ग्रोइंग स्टिक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे मनी प्लांट को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है, और इसकी जब एरियल रूट इस मॉस स्टिक के अंदर जाएगी तो ये आपकी लीफ साइज़ और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप देख लें किस तरह से हमने मॉस स्टिक लगाई है, सेम आपको वैसे ही लगानी है। और ये रहे हमारे बहुत सारे मनी प्लांट्स की कटिंग, कुछ में रूट्स है कुछ में रूट्स नहीं है, इनको फटाफट से हम ग्रो कर देते हैं। कटिंग को लगाने का समय इवनिंग रहेगा तो बेस्ट रहेगा, इससे कटिंग ड्राई नहीं होती है और अच्छे से ग्रो होती है। इस मेथड से दोस्तों अब फाइनली आपका मनी प्लांट अच्छे से ग्रो होगा, और मॉस स्टिक में आप हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना, जिससे मनी प्लांट की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे और बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाए। मनी प्लांट को बॉटल में ग्रो करना तो आपको आता ही होगा, बट क्या आपकी इतनी सारी जड़ें आती है और क्या इसका कैनोपी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है?
अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए बहुत यूनिक आइडियाज़ लेकर आ जाऊँगा मनी प्लांट को वाटर में ग्रो करने वाला। एंड हाँ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और किसी एक बंदे को ज़रूर शेयर करना।